19 तारीख से जो 19 नवंबर से आरंभ हो जाएगा मेला, 5 दिन तक यहाँ मेला चालू रहेगा जी। तो ये लगातार 5 दिनों तक सीता द्वार मेला चलता रहेगा और आज 17 तारीख है, 17 नवंबर। तो यहाँ मेला में खास करके क्या क्या व्यवस्था कुछ? अब मेले में सब दुकान वकान लग रहे हैं और श्रद्धालु अपना आकर यहाँ दर्शन करेंगे, स्नान करेंगे, स्नान करेंगे अपना। अच्छा, सीतापुर सरोवर है उसमें स्नान करके यहाँ प्रसाद कराएंगे। अच्छा, सीता सरोवर सीतापुर। अच्छा, सीता सरोवर। सीता सरोवर कुंड वहाँ बगल में बना हुआ है, वहीं पे भक्तजन आकर स्नान करेंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे, उसके बाद चल देंगे। उसका जन्म हुआ है यहीं पे जी, लोगों जन्म श्री वाल्मीकि जी का ही आश्रम से था है, पर लोग उसका जन्म हुआ, लोग उसको ज्ञान बुद्धि प्राप्त हुई, महस्त वाल्मीकि आश्रम जी, और घर को वृक्ष ला गए उसी तरह वाल्मीकि जी ने ज्ञान बुद्धि प्राप्ति किया जी, ऊपर वाल्मीकि, ऊपर वाल्मीकि आश्रम जी, वाल्मीकि आश्रम। ये वट वृक्ष है जो भगवान ने के लिए घोड़ा छोड़ा, तो लोग ने इस वट वृक्ष में घोड़ा, वो सामने वट वृक्ष लगा हुआ है, यही वो वट वृक्ष है पुराना। जिला प्रवक्ता सीताद्वार मंदिर, सीताद्वार मंदिर के जो है ये सीताद्वार मंदिर के लिए महंत जी है जो 30 वर्ष से पूजा पाठ इसी मंदिर में करते हैं जी जी, और 24 घंटा रहते हैं जी। मैं उनका शिष्य पंडित संतोष दास तिवारी जो 7 वर्ष के थे तभी इसी मंदिर में पूजा पाठ करते हैं, गुरु जी का सेवा करते हैं जी जी। सभी भक्तों से जय सीता, जय सीता। ये पट वृक्ष है, इसके बारे में कुछ थोड़ा? ये जो है भगवान ने जब एक के लिए घोड़ा छोड़ा जी, तो लौकुश ने इसी वट वृक्ष में घोड़ा को बांध दिया जी, इसी में घोड़ा बांध दिया जी। भगवान ने जब एक के लिए घोड़ा छोड़ा जी, फिर ऊपर महर्षि वाल्मीकि का आश्रम है जहाँ लौकुश को ज्ञान बुद्धि प्राप्ति हुई जी, वो सामने वो शंकर भी दर्शन का आश्रम वहाँ पे बना हुआ है, तो वहाँ आपको ले चलते हैं और आपको दिखाएंगे यहाँ का घोड़ा आश्रम बना हुआ है। यहाँ के बारे में कुछ थोड़ा बहुत? ये महर्षि वाल्मीकि का आश्रम है जी, यही पे लोग उसको ज्ञान बुद्धि प्राप्ति मिली है जी, उस स्थान पे पहुँचे हैं महर्षि वाल्मीकि आश्रम जी जी। ये यहाँ के पुजारी जी उपस्थित में है जी, ये वाल्मीकि जी के यहाँ के जी जी, थोड़ा जो सब जो है उनसे बातें किया जाए यहाँ के बारे में। आप थोड़ा यहाँ वाल्मीकि के बारे में बताएंगे कुछ? बैठी हो तो बताइए। यहाँ इस आश्रम पर पहुँचो है जी, यहाँ सीता जी छोड़े गए जी, लक्ष्मण जी छोड़ करके यहाँ से चले गए जी, और यहाँ से छोड़ करके जब चले गए सीता जी छोड़ गए जी, और जब जागी तब उन्होंने विलाप किया जी, रोया जी, मन में फिरते भुलाते भटकते भुलाते आकर के जब वाल्मीकि आश्रम पर पहुंची तब इन्होंने उनका रक्षा किया जी, और यहाँ लौकुश का जन्म हुआ, लौकुश विद्या पायन, बुद्धि पायन, बल पायन, सीता जी के रक्षा हुआ जी, उस भूमि पर आप लोग पहुँच गए जी। तो आप उसी भूमि पे हैं और यहाँ कल्प वृक्ष का जो है और ये सामने जो लगा है ये कल्प वृक्ष है, और मैं कल्प वृक्ष हम देखा ना यही है वो ब्रिज। ब्रिज के बारे में थोड़ा आप जानकारी दे सकते हैं सर? हाँ, जानकारी जी, ये कल्प वृक्ष है, इसमें जो है मनोकामना दर्शनार्थी के मन में अगर कोई कल्पना होता है तो यहाँ मन्नत मांगते हैं तो इनकी मनोकामना माता सीता जी पूर्ण करती है जी जी, इसीलिए इसको कल्प वृक्ष बोला गया है जी। और ये डबल पौधा उत्पन्न भी नहीं होता है जी, और ये कभी इसमें फर फूल भी नहीं आता, ये हमेशा ऐसे सदा हरा रहता है जी, और ये कभी पतझड़ भी नहीं होता, ये बारह मास ऐसा ही रहता है जी। कल्प जी, ये कल्प वृक्ष ऐसे कि ऐसा ही बना हुआ है, और यहाँ का जो है इतिहास जी, जब माता सीता के ऊपर धूबी का लक्षण लगा अयोध्या में, लक्षण के द्वारा राजा रामचंद्र जी ने प्रत्याग किया सीता जी को जी, फिर लक्ष्मण जी को आदेश दे कि ले जाकर सीता जी को वन में छोड़ कर आइए जी, फिर लक्ष्मण जी ने अपना रथ सजाए दक्षिण दिशा होते होते उत्तरी दिशा में सीता जी को गर्भावस्था में लाकर लक्ष्मण जी यहाँ पर जब पहुँचे जी, तो यहाँ पे कजरी का बहुत विकट सा जंगल था और इसी जंगल में महर्षि वाल्मीकि जी का आश्रम भी था जी। तब जब सीता जी को प्यास लगा तो लक्ष्मण जी ने बहुबेदी बाण मारा, तब सीता कुंड सरोवर 7 कोस का उत्पन्न हुआ झील जी,
फिर यहीं पे लवकुश का जन्म हुआ, लवकुश को ज्ञान बुद्धि प्राप्ति मिली महर्षि वाल्मीकि आश्रम में जी। आज उसी जो 19 नवंबर का मेला लगेगा कार्तिक पूर्णिमा में, उसमें लाखों श्रद्धालु आकर स्नान करेंगे, उनकी मनोकामना माता सीता और वाल्मीकि जी ने उनका पूर्ण करेंगे। ये लवकुश की तपोभूमि स्थली है, लवकुश का जन्म भूमि है, फिर महर्षि वाल्मीकि का स्थान है यहाँ पे, जो लवकुश को शिक्षा प्रदान दिया था। आप उसी आश्रम में पहुँचे हैं। पंडित संतोष दास तिवारी, जिला श्रावस्ती, सीता द्वार मंदिर के पुजारी, सभी भक्तों से जय सीताराम। जय सीताराम। और जो सामने सर वो जो कुंड बना हुआ है, हाँ, लक्ष्मण जी ने बताया, उसके बारे में थोड़ा। हाँ, जो सीता कुंड सरोवर जो है, जब सीता माता को प्यास लगा तो लक्ष्मण जी ने बहुवेदी बाण मारा, तो सीता कुंड सरोवर 7 कोस का उत्पन्न हुआ वो जी। जो आज उसी झील का जो है 19 तारीख को जो कार्तिक पूर्णिमा है, उसी में श्रद्धालु अपना स्नान करेंगे, अपना मनोकामना पूर्ण करेंगे जी। तो सीता सरोवर कुंड है, वहाँ तक भी मैं चलूंगा और आपको दिखाऊंगा सीता सरोवर कुंड जो 7 कोसों में बना हुआ है। और हमारा यही श्रद्धालुओं से जो है निवेदन है कि भारी से भारी संख्या में आकर माँ जगत जननी सीता को दर्शन करें और माँ वाल्मीकि जी का आशीर्वाद लें और लवकुश का जन्म भूमि तक पहुंचे। सभी भक्तों से जय सीता। तो झील दिखा देंगे, महल दिखा देंगे। ये है वो सीता कुंड सरोवर जो कि 7 कोसों में फैला हुआ है, काफी लंबा है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि नहाने धोने के लिए सारे मतलब सीढ़ियों की व्यवस्था की गई, मतलब यहाँ पे सीढ़ी जो है बहुत ही अच्छे से बना हुआ है। और यहाँ पे डोरी रस्सी भी लगाई गई है कि इससे अंदर आप नहीं जा सकते हो। यहाँ पे इसमें स्टीमर भी चलता है उधर साइड में। यहाँ से लगा के पूरा भीड़ खचाखच भरा होता है लोगों से, यहाँ से ये सब पूरा भीड़ भरा होता है। यहाँ से पूरा ग्राउंड है, आप देख सकते हो इधर कुछ पेड़ है, इधर साइड में तालाब पड़ेगा जो कि अभी इससे पहले मैंने आपको दिखाया। और ये सब पूरा एक ग्राउंड है मेले का, यहाँ पे ये सब पूरा जो है फुल भरा होता है भीड़ से खचाखच। उधर साइड में तो मंदिर है, आपको जो मंदिर भी दिखा दिया और झूले वगैरह लग रहे हैं उसको भी दिखा दें। देखो अभी भाई दुकानों की तैयारियां यहाँ पे चल रही है, जोड़ तोड़ से लोग आ गए हैं दुकान अपना अपना लेकर और सब व्यवस्था में लगे हुए हैं। अभी इधर जो है छोटे झूले लगाए गए हैं, इधर देखो भाई जंपिंग लगाया गया है, जो बच्चों को जंप करने के लिए कुछ डब्लू बता रहे हैं। क्या चीज भैया? जंपिंग। और पूरा नाम बताओ। पूरा नहीं जानते हो ना, ठीक। इधर बच्चों के लिए कुछ गाड़ी वाड़ी का व्यवस्था किया गया है, मतलब ये भी झूला है। और इधर देख सकते हो छोटे झूले, इधर जो देख सकते हो ये बड़े झूले हैं। और ये वाला जगह जो है, ये पेड़ है, पीपल वाला पेड़ है, यहाँ पे अलाउंसर लगा होता है, पूरे मेले की अलाउंस होती है, मेन व्यवस्था यहीं पर होती है। पहली रास्ता जो है ये सीधे मंदिर तक जाती है। देखिए भाई होटल की व्यवस्था भी यहाँ पे है, यहाँ पे कई होटल हैं, उधर भी होटल है और मतलब होटल लगेंगे, इधर भी होटल लग रहा है। इधर जो है सबसे बड़े झूले का मतलब व्यवस्था भी कर रहे हैं, देखो भी फिट कर रहे हैं सब जो रखा हुआ है, सब छोटे झूले का इंतजाम है। उधर भी कुछ ऐसा है और ये वाला जो है इधर बड़े झूले का व्यवस्था हो रहा है। ये वाला जो है ये देखो बड़े झूले का, यहाँ का ये वाला जो है ये सबसे बड़ा झूला होगा यहाँ का। और ये वाला जो जंपिंग लगा था ये कई जगहों पर लगा है, इधर भी लगा है और वहाँ भी आप देख सकते हो लगा है। और इधर साइड में जादूगर को आप देखोगे, जादूगर जिसको देखना है इधर साइड में आ जाए। और यहाँ पे ये क्या है, मूविंग डांस, ये वाला झूला काफ़ी भाई दमदार झूला होता है। इधर भाई लगा है अभी कुछ, देखो टोरा टोरा झूला भी है, ये भी है। और उधर तो भाई पूरा ड्रैगन लगा हुआ भी दिखाते हैं, ड्रैगन ट्रेन, ये भाई ड्रैगन ट्रेन है। ये आप देख सकते हो कि मेला कुछ इस तरह से यहाँ का है, फील्ड ग्राउंड पूरा आप देख सकते हो, काफ़ी अच्छा ग्राउंड है और काफ़ी बड़ा है। यह मेला 5 दिन का मेला होता है और काफ़ी भीड़ होता है यहाँ पे, दूर दूर से लोग आते हैं, सीता माता के दर्शन करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, मेला देखते हैं, मेला का एंजॉय करते हैं, सर्कस, थिएटर, जादूगर, मौत कुआँ, झूला, मतलब सारी चीज़ों का मनोरंजन लेते हैं। यह मेला 5 दिन का विशाल मेला होता है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे भीड़ होती है। अभी आज है 17 तारीख और इस मेले का आयोजन जो है 19 तारीख से है, मतलब 19 तारीख से लगातार 5 दिन का मेला है। मतलब चाहे आप दिन में आओगे चाहे रात में आओगे, दिन रात बराबर होता है यहाँ पे। ये है सीता माता का मेन मंदिर और इसके पीछे जो मंदिर है वाल्मीकि मंदिर है, उसको भी आपको हमने दिखा ही दिया है।
ये है भाई मेले में अंदर आने के लिए मेन रास्ता, और बगल में यहाँ पे आप देखोगे आपको प्राइमरी स्कूल भी मिल जाएगा इधर साइड में बगल, और ऐसे ही देखोगे पक्की रोड है, और रोड ये वाली रोड बिल्कुल सीधे आपको मंदिर तक ले जाएगी। तो भाई आज का यही एक छोटा सा वीडियो था सीता द्वार मेले का, जो कि मैं आज आया था सीता द्वार मेले में। आज 17 तारीख है, और 17 तारीख से आप देख सकते हो किस तरह से यहाँ पे भीड़ चल रही है। लोग अपना दुकान ला रहे हैं, तैयारियाँ बना रहे हैं, दुकान वगैरह सब सजा रहे हैं। मतलब कि 19 तारीख से 5 दिन का लगातार मेला होगा। दिन में भी मेला लगेगा, रात में भी मेला लगेगा, मतलब कि दिन रात सब बराबर होगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को भाई लाइक कर देना, और जिन भाई ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, जय सीता माता।